नमस्कार दोस्तों, हालत ये है कि अगर भारत में हाफिज सईद किसी सीट से अमृतकाल वाले नकली राष्ट्रवादियों को जीत दिला सकता तो अमृतकाल का माल फूंक कर बैठे वॉशिंग मशीन जीवी हाफिज सईद के दाग धुलकर उसे भी फूल का पट्टा पहना चुके होते। हालत यह है कि 400 सीटें जीतने के लिए भारत में नवाज शरीफ को भी टिकट देना पड़ जाए तो राष्ट्रवाद की दुकानदारी करने वालों को उनको भी भारत से चुनाव लड़ाने में दिक्कत नहीं होती। ईमान धर्म सब कुछ 400 सीटों के लिए अमृतकाल में गिरवी रखा जा चुका है। दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने टेरर फंडिंग के आरोपी को कमल का पट्टा पहना दिया। ये देखिए, ये तस्वीर जी भर कर देखिए। तस्वीर में बीजेपी का पट्टा पहनकर अपने दाग धुलवाता ये आदमी संजय सरोज है। टेरर फंडिंग के आरोप में जेल से छूटा है, अभी जमानत पर है। इस टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज को बीजेपी में शामिल कराते ये बीजेपी से प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता हैं। गुप्ता जी को पूरे प्रतापगढ़ में इससे बढ़िया महापुरुष भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं मिला, ऐसा लगता है। अदालत जो भी कहे, लेकिन बीजेपी ने संजय सरोज के सारे पाप धुल दिए हैं। बीजेपी का पट्टा पहनते ही अब इस संजय सरोज के आरोप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो जितना बड़ा आरोपी, जितना बड़ा दागी बीजेपी में, उसका उतना बड़ा स्वागत। छोटा मोटा आरोप नहीं है दोस्तों, टेरर फंडिंग का आरोप है। मुस्लिम कम्युनिटी से पूछिए यह आरोप होता क्या है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि संजय सरोज पर यह आरोप त्रेता युग में लगे हों, ये अभी अमृतकाल की बात है। 2018 में मार्च का महीना चल रहा था, संजय सरोज को एटीएस ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यूपी एटीएस ने इसके तार लश्करे तैयबा से जुड़े हुए बताए थे। अरे अखबारों में छप गया था, टीवी पर खूब वाहवाही हुई थी कि अमृतकाल में सारे आतंकवादियों के सिर कुचल दिए गए हैं, ऐसा बताया गया था। भारतीय जनता पार्टी ऐसे गले में पट्टा पहनाकर सिर कुचल रही है, वाह भाई वाह। अरे ये तरीका तो गांधी वाले दूसरे गाल आगे कर देने वाले तरीके का भी बाप निकला। सच में मोदी जी पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। भ्रष्टाचार से घृणा करते हैं, भ्रष्टाचारी से नहीं। दोस्तों 2018 में एटीएस ने लश्करे तैयबा से जुड़े होने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार किए थे, उनमें ये संजय सरोज भी था। लेकिन आज देखिए, संजय सरोज अपनी मेहनत और ईमानदारी से क्या मुकाम हासिल किया है। कल तक जिस पर आतंकियों को पैसा मुहैया कराने के आरोप थे, आज वो माननीय हो गया है। जल्द ही ये किसी एयरपोर्ट पर मोदी जी को फूल देकर उनका स्वागत करता नजर आ जाएगा, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि बनारस के बलात्कारी भी मोदी जी को इसी तरह फूल देते थे। और भी लंबी लिस्ट है, फुर्सत से सुनाऊंगी। संजय सरोज जानता था कि उसके आरोप एक ही जगह लगी मशीन से धुल सकते हैं, और वो है बीजेपी की वॉशिंग मशीन। संजय सरोज जमानत पर छूटने के बाद राजनीति में बहुत सक्रिय हो गया। संजय सरोज की पत्नी ने महिला सीट पर चेयरमैन का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में उनकी जीत हुई। आज देखिए कहां से कहां है। अब तक भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, अब तक पैसों का गबन करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, अब तक घोटालेबाज बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, यहां तक कि बलात्कार के आरोपी भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने खुद को और अपग्रेड कर लिया है। न्यू इंडिया में, बदलते भारत में बीजेपी आतंक के आरोपियों को ज्वाइन कराने लगी है। बदलते भारत को देखकर दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद की आंखों में भी अब चमक आ गई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आप सबके बीच में, क्योंकि आप सब लोगों ने जिताया है, तो आप सबके बीच में हमें आने में विलम्ब हुआ। चलिए, प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता को आने में विलम्ब हो गया, नहीं तो ये लश्करे तैयबा के लिए आतंक फैलाने के 10 के दसियों आरोपियों को ज्वाइन करा लेते और भारत माता की सेवा में लगा देते, क्योंकि भारत माता के नाम पर ये कुछ भी बेच सकते हैं। उम्मीद है कमल का पट्टा पहनाने की इस राष्ट्रीय बेला में बीजेपी का पट्टा पहन चुके टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज जी के अब तक के अनुभवों का पॉजिटिव इस्तेमाल मोदी भारत माता की सेवा के लिए और 400 सीटें जीतने के लिए करेंगे। चोर, उचक्के, आतंकी हो या बेईमान हो, सबका होगा सम्मान। अब किसी मंच से मोदी जी को यह ऐलान कर देना चाहिए। मोदी की गारंटी में एक और गारंटी जोड़ देनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। देखिए एक बात तो है, मैं वीडियो ना बहुत लंबा बनाने में विश्वास नहीं करती, लंबे लंबे ज्ञान बांटने में विश्वास नहीं करती। बहुत कम समय में काम की बात कह देती हूँ, डंके की चोट पर सच कह देती हूँ। बहुत लोग लंबे लंबे वीडियोस बनाने के लिए हमें मेल करते हैं, कॉमेंट करते हैं, लेकिन मेरा मानना है जब कम शब्दों में बात कही जा सकती है तो फिर 20 मिनट एक ही बात को करने में समय क्यों बर्बाद करना। समय आपके पास भी कम है,
समय हमारे पास भी कम है। अभी के लिए इतना ही, फिर से चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर संजय सरोज की जगह संजय खान होता या मोहम्मद संजय होता और उस पर टेरर फंडिंग के आरोप होते और वो जमानत पर बाहर होता, तो क्या बीजेपी उसको गले में पट्टा पहनाती या फिर वो बीजेपी में ज्वाइन ना करके किसी और पार्टी को ज्वाइन करता, तो क्या होता? कॉमेंट में बताइएगा। नमस्कार।